यासे जी बीबी, डेड वॉक से आ गए? जी आ गए। अच्छा ठीक है। डैड ये मेडिसिन ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और आप लेट क्यों हो गए? तो आपको जल्दी जाना था ना। अच्छा, मुझे जल्दी जाना था इसलिए आप लेट हो गए। तो हमने सोचा कि आप तो चली गई होंगी, तो थोड़ी देर के लिए आरिफ के पास रुक गए। मैं आपको कभी छोड़ के गई हूँ? आप हमें कभी छोड़ के नहीं गई, लेकिन बेटा बेटियों को कभी ना कभी तो छोड़ के जाना ही होता है। प्लीज डैड, फॉर गॉड सेक, इस तरह की बातें मत किया करें। इस तरह की बातें करके आप मेरा मूड स्पॉइल कर देते हैं। हर लड़कियां वो चाहती होंगी जिनके डैड अकेले नहीं रहते होंगे। बट आई विल नेवर गो। अच्छा सुने, मैंने आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया, यहां से कर लीजिएगा। बाय। बिल्कुल माँ की कॉपी है अपनी। एक बार तुम्हारी माँ भी इतना ही टूट कर जाने की कायल थी, ये सोचे बगैर कि इतनी मोहब्बत करते करते जब कोई चला जाए तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अरे वाह भाई, आज तो बड़े कहके लग रहे हैं। क्या बात है, कोई खजाना हाथ लग गया आपके? अरे हसीना बेगम, खजाना ही हाथ लगा है। वो जो हमने शेयर खरीदे थे ना, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अरे शेयर्स के मामले में मेरी किस्मत बड़ी चमकी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ किसी और कारोबार में पैसा लगा दूँ। हाँ हाँ, तो कर दो ना शुरू नया काम। अरे तुम्हें तो पता है कि रुपया मेरी पहली मोहब्बत है। अरे किसी और कारोबार में पैसा लगाते हुए दिल कांपता है मेरा। हाँ, ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि आपकी पहली मोहब्बत पैसा है। वैसे तो पहली मोहब्बत पैसा मेरी भी है, मुझ में और आप में सिर्फ एक फर्क है। वो क्या? पैसा कब और कैसे कमाना है, ये फन मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वो कैसे? ये जो जवान हमने औलाद की है वो किस दिन काम आएगी? अभी तो वक्त आया पैसा कमाने का। हाँ जी, पैसे कमाने का वक्त आ गया। अरे महीने के बाद एक तनख्वाह लेकर आएगा। अरे कितना समझाया था तुम्हें कि मेरे साथ कारोबार पे लगा दो। अरे 5 साल में तो सारे कारोबार के गुर सिखा देता मैं। हाय रे मेरी किस्मत, पढ़ाया तुम्हारी बहन ने, उससे जाके पूछे ना। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? और दूसरी बात, आप समझते नहीं है। वो कौन सी? अहमद को मैंने ऐसे तो नहीं जवान किया ना कि सिर्फ मैं एक महीने की तनख्वाह के लिए बैठी रहूंगी। तो फिर? बस मैंने फैसला कर लिया है कि अहमद की शादी में किसी अमीर खानदान में करूंगी। अरे वाह हसीना बेगम, क्या पते की बात की है, मेरे दिमाग में ऐसी बात क्यों नहीं आई? तुम्हारी जिंदगी में जितने भी पते की बात की है ना, वो मैंने ही की है। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ है नजर में कोई? हाँ, ऐसे तो मैं हवा में तीर नहीं चला रही ना। कौन है? वो मेरी दोस्त है ना सफिया। हाँ हाँ। उसका एक दूर का कजन है, उनकी 4-4 गारमेंट्स फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री तो वो अपनी बेटी के नाम करेगा ना। अच्छा ये बताओ कि देखने में कैसी है? वो तो मुझ पे छोड़ दो, मैंने पसंद कर ली है ना बस। अरे इतनी अच्छी है तो बात चलाओ ना, कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। पक्का काम करके आई हूँ, बस अहमद का इंतजार है, जैसे आज उससे बात करती हूँ। वैसे बहुत मुश्किल से हैंडल किया था मैंने सिचुएशन को। सॉरी यार, मेरी वजह से मोना के लॉस का काफी प्रॉब्लम हो गई होगी। अरे नहीं यार, मोना उसकी फैमिली बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजिंग है। तुझे मोना के दिल का ख्याल रखना चाहिए, लड़कियां बहुत एहसास होती हैं और फिर मोना तो कुछ ज्यादा ही है। हाँ है तो, लेकिन वो अपने हर एहसास को अच्छे तरीके से बताना भी जानती है। हाँ तो ये कि हिबा जितनी हसास है उतनी ही इंट्रोवर्ट भी है। अच्छा, मैंने उसे कुछ मालूम करने के लिए कोशिश की हर तरीके से, लेकिन उसे कोई पॉइंट जाहिर नहीं किया अपना। किस बारे में? उसके इरादे के बारे में यार, वो तेरे हवाले से क्या सोचती है, मुस्तकबिल में उसका क्या इरादा है। हाँ यार, सब जानते हैं कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ
पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी ये भी जानती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। तुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे इस मामले में बहुत फिक्र है। यार शुरू में सब लड़कियां ऐसा बिहेव करती हैं, मगर वो शादी के लिए मान जाएगी। नहीं देख, उसका बिहेवियर सबके जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर वो अपने फादर के साथ रहना चाहती है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारा ये सेमेस्टर खत्म होने में 15 दिन रह गए हैं, कहीं वक्त का इंतजार करते करते ये वक्त भी ना चला जाए हाथ से। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, आई एम श्योर। मुझे पता है तू हिबा के लिए एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो तेरे लिए सब कुछ है, इसलिए अपनी आंखें खुली रखना। भाई साहब, हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है और आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, कौन समझाए इसे, चल भाई पढ़ाई कर ले। यार किस दुनिया में रहती हो? Like, I can't believe that तुम जैसी लड़की and she has no dreams. Oh my God, seriously, तुम अपनी पूरी लाइफ अपने फादर के साथ स्पेंड करना चाहती हो? What about your boyfriend? You don't want कि तुम अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करो? Can't believe कि तुम अपने फादर के लिए पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करना चाहती हो? तुम उनकी केयर करते करते, प्लीज डोंट टेल मी। सो व्हाट, अगर मैं अपनी डैड की केयर करना चाहती हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट वांट एनी पार्टनर इन माय लाइफ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। आई एम रेडी। बट लिसन यार, आई वाज किडिंग। हिबा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मेरे बच्चे को उस चुड़ैल से बचाना, अपना घर तो वो बर्बाद कर चुकी है, अब उसकी जिंदगी भी बर्बाद करेगी। अच्छा चल, अब चुप कर जा, पूछता हूँ जाकर मैं उनसे। क्या हम पढ़ाई के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? करते तो हैं हम। वैसे तुम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो? मैं कहना चाह रहा था कि Assalamualaikum. कोई है जो आपके साथ गर्मा गर्म कॉफी पीना चाहता है? जीते रहो, मैं तो बस नए कामों के लिए जरा एनर्जी पैदा कर रही थी। आप एक बात जानती हैं, अगर फूफो और भतीजे की रिश्ते की रेटिंग की जाए तो हम दोनों की रेटिंग नंबर 1 होगी, है ना? ऐसा ही है, मगर एक बात है, आप जब भी उस शख्स की यादों में खोई रहती हैं जिसने आपको हम और खामोशी के सिवा कुछ नहीं दिया, तो मुझे अपना आप मुजरिम लगता है। वो क्यों बेटा? उसने तो जो करना था कर दिया, हम खास तौर पर मैं, जिसकी वजह से आप अब तक। अहमद, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो बेटा, तुम्हारी वजह से तो मुझे जीने का हौसला मिला एक बार फिर। लेकिन पप्पो, लेकिन कुछ नहीं अहमद, वो शख्स अब मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, मैं नहीं सोचती उसके बारे में। और अब तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी मंजिल के और करीब आ गई। समझा नहीं। मेरा दिल चाहता है कि अब इस घर में कोई ऐसा आए जो मेरा हम मिजाज हो। मतलब? मेरा ये मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आए जो मेरे हम ख्याल हो, जिसको लगता हो कि लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए, हौसला सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, और मेरी तरह अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की आग हौसला।
अच्छा तो फिर समझ ले आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अहमद तुम्हारा मतलब है तुम्हारी जिंदगी में कोई है? हाँ। कौन है बताओ मुझे, ये कब हुआ? तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ओ, तो ये बात है। हाँ अब आप बताइए दानियाल ने मेरे दिल में जो फिक्र डाल दी है वो ठीक है या नहीं? देखो ये तो मैं तुम्हें तभी बता सकती हूँ जब मैं हिबा को खुद मिलूंगी, लेकिन एक बात गारंटी से कह सकती हूँ, बहुत लकी है। वो कैसे? भाई तुमने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो, ऐसा लड़का तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है ना। अच्छा मतलब आप अपने बेटे के बारे में इतना कुछ जानती हैं? अहमद 100% ऑफ कोर्स। अरे तो उस कंसाइनमेंट का क्या हुआ यार? आजम आजम वो क्या बात है, कौन सी आफत आ गई है? आफत तो तभी आ गई थी जब अहमद 3 साल का था, तुम्हारी बहन की सूरत में मेरी जिंदगी में। हुआ क्या है? रोज सोचती हूँ कि ये घर भी मेरा घर बन जाए, मैं भी अपने शौहर और बच्चे के साथ घर गृहस्थी संभालूं, मगर ऐसा नहीं होता। अरे खुदा की बंदी पहले मसला तो बताओ, फिर मुझे और मेरी बहन के साथ नस्लों को कोस लेना मुझे एतराज नहीं होगा। मसला? एक मसला हो तो आपको बताऊं ना, आंखें थक जाती हैं मेरी इंतजार करते करते कि मैं भी अपनी जवान औलाद के साथ 2 घड़ी अपनी दिल की बात कर सकूं, और आपकी बहन है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे कुछ पढ़ने गया होगा, अब क्या करे, एक जैसी किताबें पढ़ने का शौक है दोनों को। मैं देख कर आई हूँ, कोई किताब नहीं खुली हुई थी, दोनों बैठे हुए राज और न्याज की बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे को उस चुड़ैल से बचाना, अपना घर तो वो बर्बाद कर चुकी है, अब उसकी जिंदगी भी बर्बाद करेगी। अच्छा चल अब चुप कर जा, पूछता हूँ जाकर मैं उनसे, लेकिन अगर इतनी बात हुई नहीं जितना तूने तूफान उठाया हुआ है तो अपनी खैर मनाना। खबरदार जो तुमने मुझे धमकाया था, और अगर कोई बात हुई तुम और तुम्हारी बहन खैर मनाना। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, जब से मेरी शादी हुई मैं बर्दाश्त ही कर रही हूँ, लेकिन अब मैं अपने बेटे को उसके हाथे नहीं चढ़ने दूंगी। सुना तुमने? अल्लाह खैर। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं अगर तुम समझ गई तो। मैं जानता हूं हिबा तुम कभी भी मुझे खोने का रिस्क नहीं लोगे, कभी नहीं। और तुम्हें मेरी मोहब्बत पसंद आ जाए उसके लिए अगर मुझे खुद को भी भूल जाना पड़ा तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा। आई लव यू सो मच। कम इन। मैम आपने बुलाया था? हाँ वो विडोज एनुअल एलोकेशन फंड हो गया आपका? जी मैम मैं आपको वही चेक करवा रही थी, ये देखिए। परफेक्ट, इसमें थोड़ी सी एडिशन और चेंजेस हैं वो मैं करके आपको बुला लूँगी। थैंक यू। मैम एक्चुअली मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाह रही हूँ। ऑफ कोर्स सलमा बैठो। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। किस बात के लिए? मेरे अबू के इलाज के लिए अगर आप जाती तौर पर मदद नहीं करती तो ये एंजियोग्राफी मुमकिन नहीं थी। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाती, भाई छोटा है, मेरा पूरा घर आपका एहसान मंद है। तबीयत कैसी है अबू की? अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत काफी संभल गई है। अल्लाह का शुक्र है, थैंक गॉड। मैम मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सलमा इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, शुक्र आपको अल्लाह का करना चाहिए जिन्होंने आपके वालिद को दूसरी जिंदगी दी। बेशक अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वसीला तो आप ही बनी है ना। थैंकफुल तो मुझे होना चाहिए आपका कि आपने मुझे अपना समझा, फैमिली मेंबर समझा और मेरे पास आई। लेकिन इतनी बड़ी रकम आपने अपने जाती अकाउंट से? सलमा रकम कुछ नहीं होती इंसानी रिलेशन के सामने, इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हो,
आई विश मैम कि मैं इन लफ्जों का मान रख सकूं। इंशाल्लाह। और आइंदा इस बात का जिक्र ना करना। मैम वो मारू की कॉल आई थी, उन्होंने आपसे अपॉइंटमेंट ली हुई है, थोड़ा लेट हो गई है पर बट शी इज ऑन द वे। इट्स ओके, मुझे पता है, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर। तुम आओ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आई एम सॉरी अहमद। अच्छा खैर, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया? नहीं, अब तक स्टार्ट नहीं किया। मैं तुम्हें देखने बाहर गया था, मगर तुम्हारा नंबर भी ऑफ था। हाँ यार, वो मैं डैड का कुछ सामान रख रही थी। खैर, तुम लोगों ने कुछ डाटा कलेक्ट किया कि नहीं? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ग्रुप को तुम लीड कर रही हो और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें तुम्हारे पास है। क्या मैंने कहा भी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर मत डालो? मैं डैड के काम को नहीं छोड़ सकती और ना ही उन्हें इग्नोर कर सकती हूँ। अब तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो? हाँ श्योर, कहो। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारे फोन से एक डैड को कॉल कर लूँ? वो डैड ने ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन ली होंगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर सके। थैंक यू। हेलो जी डैड, मेरा फोन घर पे रह गया है। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? और मेडिसिन? That's great. Thank you. Bye. Hello. Thank you. अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, हमसे अच्छा पूरे शहर में कपड़े का धंधा किसी का नहीं चल रहा। हाथ बढ़ाएं फिर देखें कारोबार में चार चांद कैसे लगते हैं। हाँ हाँ, अरे दिनों में काम ऊपर जाएगा। ठीक है हसीना बेगम, बेटे से बात हो गई? क्या कहा उसने? कहां से बात होती, तुम्हारी बहन के घुटनों से जुड़कर बैठा रहता है पूरी पूरी रात। तौबा तौबा, पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है उस औरत ने। अपना घर तो बसा नहीं सकी, मेरे बेटे और शौहर को उसने काबू में किया हुआ है। बस भी करो, हर वक्त उसके पीछे ना पड़ी रहा करो। शुक्र करो वो पढ़ी लिखी है, तुम्हारे बेटे की तरबियत अच्छी कर दी। वरना क्या, अगर वो ना होती तो क्या मैं अपने बेटे की तरबियत नहीं कर सकती थी? अच्छा बस छोड़ो ना इस बात को, तुमने किया सब कुछ। अच्छा मुझे देर हो रही है, काम का वक्त निकले जा रहा है। आपको अपने काम की पड़ी हुई, उधर आपका बेटा हाथ से निकला जा रहा है। अरे कहीं नहीं जाता तुम्हारा बेटा। यही सुनते सुनते तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। माँ के लिए वक्त मिले या ना मिले, लेकिन फुप्पी के घुटने के साथ बैठना बहुत जरूरी है उसको। बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। बेहतर है बेटे के सर पर सेहरा सजा दो, बेटा और बहू खुश होंगी तो फराना से तुम्हारी जलन वैसी खत्म हो जाएगी। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या मैं जलती हूँ? मैं जलती हूँ आपकी बहन से? अच्छा ये साड़ियाँ तुमने रखनी है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। मुझे क्या पता ये साड़ी आप मेरे लिए लाए, मैं तो समझी शायद आप दिखाने के लिए लाए। अरे लाया तो दिखाने के लिए था, अगर पसंद है तो रख लो, कुछ अपने लिए कुछ बहू के लिए। वाह क्या बात है, बहू अभी आई नहीं और उसकी फिक्र तुम्हें पहले पड़ गई है। बीवी तो जाए भाड़ में। अच्छा भाई जो करना करो, मैं तो जा रहा हूँ। मैं कह रही थी कि रात को जरा जल्दी आ जाना और अहमद से बैठ के बात करें आप। अच्छा अभी जाऊंगा तो रात को बात करूंगा ना आके। अच्छा ठीक है। वैसे हिबा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। वो कैसे? जितने घंटों में मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया इतने घंटों में दूसरे ग्रुप से प्लानिंग भी नहीं की। अरे नहीं, ये पूरे ग्रुप की मानत है। नहीं, तुम्हारी वर्क डिविजनिंग और प्रोजेक्ट प्लानिंग दोनों बहुत कमाल की। कम ऑन अहमद, क्या हो गया तुम्हें, तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो। कभी कभी तारीफ करने दिया करो। क्यों, अच्छा लगता है? प्लीज अहमद, सारा दिन इस तरह काम करने के बाद ना अपने स्ट्रेस को उल्टी सीधी बातें करके कम करने की कोशिश मत करो। क्या हम पढ़ाई के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? करते तो हैं हम। वैसे तुम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो? मैं कहना चाह रहा था कि अहमद, आई एम गेटिंग लेट, इफ यू डोंट माइंड हम कल बात करें। हम बात आज भी कर सकते हैं। लेट्स हैव कॉफी, तुम्हारी थकन भी कम हो जाएगी।
सॉरी अहमद, वो आज मुझे डैड के बर्थडे के लिए ना शॉपिंग करनी है, क्योंकि उनके लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया है। That's great. डैड की बर्थडे कल? हाँ। चलो, मैं सब लोग फिर शॉपिंग। हाँ, अच्छा खैर चलें अब। अहमद ये उठा लो। गिफ्ट आ गया, पता नहीं मेरे दिमाग। सकीना बीबी मुझे तो डराई दी आपने, मैं समझी कि डैड आ गए। और दरवाजा क्यों खुला? दरवाजा बंद कर जाओ। बड़े साहब आ गए और आपको फौरन बुला भी रहे। अच्छा ठीक है, आप उनके पास जाए और उन्हें यहाँ बताने दीजिएगा प्लीज। साहब तो सीधे इधर ही आ रहे थे, मैंने उन्हें रोका, आप रुके मैं बुला कर लाती। थैंक यू सो मच सकीना बीबी, अगर वो यहाँ आते ना तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाता। अच्छा अब आप जाए। ठीक है। Happy birthday to Dad. Happy birthday to Dad. देखिए अहमद भी, आप अपने और हिबा के बारे में जो हमें बताना चाहते हैं वो हम जान भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं, पर वैसे कीजिए कि कमिंग फ्राइडे को अपने पेरेंट्स के साथ हमारे घर तशरीफ लाइए। अरे यही तो मसला है ना, आजिम की समझ में आती है और ना ही अहमद की समझ में आती है। देखो तो कितनी मकार औरत निकली वो, लेकिन मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई है। वो क्या? अरे तो तुमने क्यों सवार कर रखा है उस औरत को? अरे जिसने तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा बेटा, सब कुछ अपने काबू में कर रखा है। बहुत बड़ी जायदाद अकेले उसके नाम कर गया बुढ़ा जाते जाते, वरना तो उसमें एक दिन भी अपने घर में टिकने ना देती। आजम भाई ने उस वक्त अपना हक क्यों नहीं मांगा? अरे तमाम जायदाद तो आजम के नाम ही थी, लेकिन उस कलमोही जिसके साथ वो 4 साल भी नहीं गुजार सकी अपने खामिंद के साथ, उसकी जायदाद भी उसको मिल गई, तो उस बुढ़े को सारी जायदाद तो आजम के नाम ही करनी चाहिए थी ना। उसके पास तो वैसे ही पहले से बहुत कुछ था। हाँ ये भी ठीक है, बहुत जुल्म हुआ है तुम लोगों के साथ। बस कुछ ना पूछो बानो, मेरी किस्मत पे तो इनके किए पे जलते रहना है। अच्छा अब सोच सोच के अपनी सेहत मत खराब करो, और वैसे भी अब तुम्हारी बहू आ जाएगी ना, दोनों मिलकर उस फरहाना को ठीक करना। वो तो मैं पहले ही सोच चुकी हूँ, ऐसा इसको सीधा करूंगी, इसको कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे हसीना मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? आजम भाई में और फरहाना में बहुत फर्क है। अरे बोलने में, चालने में, उठने में, बैठने में, दोनों में बहुत फर्क है। ये बहन भाई तो है लेकिन सगे नहीं है। ये आजम के बाप की दूसरी बीवी की औलाद है, वो भी इसी की तरह टह टह करती रहती थी। ओ अच्छा अब समझ आया, आजम भाई ने फिर भी उसको अपने सर पे क्यों चढ़ा रखा है? देख लो भाई, यही तो जादू है इसका। अच्छा बस अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैंने तुम्हें कहा है वही करो, सबके सर से भूत उतर जाएगा इस फरहाना का। ठीक है ऐसे ही करूंगी। अच्छा चलो अब आजम के आने का टाइम हो रहा है, कल बात करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
डैड मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। चलें मेरे। हाँ बेटे से बोलो। भाई चलें ना अंदर जल्दी आएं। अरे भाई क्या ऐसी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? भाई चलें, मैं आपको कह रही हूँ ना, चलें। चलो लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। क्या हुआ डैड? हिबा बेटा इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी डैड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट नहीं करती? और आपको तो पता है ना, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। आइए। दुनिया की सारी बेटियां यही सोचती हैं कि उनके बाप सबसे अच्छे होते हैं बेटा, लेकिन आपको पता है ना कि जब आप बूढ़े होने लगे तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें किस बात पे होती है? Come on, Dad. ना ही तो आप बूढ़े हुए और ना ही मैं ऐसी बेटी हूँ कि जिनके डैड हर बार की बातें सोचते रहे। बेटा कब तक नहीं सुनेंगी आप हमारी बात? कब तक टालती रहेंगी आप मुझे? नहीं सुनूंगी और अभी तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। Let's celebrate. बेटा हमें समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाएं कि हम बहुत सीरियस हैं। काश आपकी वालदा जिंदा होती तो शायद वो आपको बेहतर समझा सकती। हम ये सारी बहस बात नहीं कर सकते डैड, ये सब कुछ मैंने बहुत शौक से अरेंज किया है। लेट्स एंजॉय योर बर्थडे प्लीज। ऑलराइट डैड, आपको पता है मैं ये सारी पिक्चर्स ना भाई को भेजूंगी, जलाऊंगी उन्हें। बहुत दूर बैठे मैं ना, पता चले कि हम बाप बेटे कितना एंजॉय कर रहे हैं। लव यू। लव यू मेरा बेटा, लव यू। अच्छा ये ले जल्दी से बर्थडे कार्ड। ओके पहले इसको तो जलाओ। अब Happy birthday to Dad. Happy birthday to Dad. I really miss my dad. तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? वैसे तुम्हारे डैड बहुत ग्रेसफुल आदमी है। वो तो है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बर्थडे हम उनकी उनके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। ये लो अब तुम केक खाओ। हाँ नहीं ठीक कह रही हो। चल बाद में बात होती है। ओके बाय। रियली सॉरी यार, असल में वो पढ़ाई के दौरान कॉल आ गई। सिस्टर्स आ गई उसकी, वरना कॉल लंबी हो जाती शायद। कोई बात नहीं जनाब। वैसे एक बात मैं शुक्र अदा कर रहा था। वो क्या? वो तो अच्छा हुआ कि जनाब को मोहब्बत थोड़ी लेट हुई, वरना आपकी पढ़ाई हो जानी थी। बात सुन, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई में बहुत संजीदा हूँ, इसलिए कब से बैठा तेरे साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एमी सर नहीं खपा रहा मैं। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे क्यों ले रहे हो? दिल पे नहीं लिया मैंने, लेकिन तुझे मशवरा दूंगा कि ये बात दिल पे ले ले अगर तू वाकई में हिबा से मोहब्बत करता है तो, वरना पछताएगा फिर। मतलब वही है जो तुम्हें इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिबा को रियलाइज करवाओ कि तुम उसके दोस्त नहीं हो, उससे मोहब्बत करते हो और शादी करना चाहते हो उससे। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, यकीनन ठीक कह रहा हूं यार। मैं तुम दोनों से बहुत मुखलिस हूं। मैं ये जानता हूं कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकोगे और उससे तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकेगा। मैं अक्सर यही सोचता रहता हूं कि दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचती। उसकी जिंदगी का मकसद उसका उसके वालिद की खिदमत है। देख चार साल में जितना उसे मैंने समझा है उसके मुताबिक तो यह है कि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी खुशियां तक कुर्बान कर सकती है, और ये बात उसके दिल में बैठ चुकी है कि उससे बेहतर अपने फादर की लुक आफ्टर कोई और नहीं कर सकता। यही मैं भी सोचता रहता हूँ और एक बात का डर दिल में लिए बैठा रहता हूँ, कैसा ना मैं कोई और बात करूँ और वो मेरी दोस्त है और वो दोस्ती भी खत्म ना हो जाए। हाँ लेकिन यार उसको इस चीज से निकाला कैसे जाए? यही मैं सोच रहा हूँ।
ऐसा क्या हो कि वो मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे और मेरी सारी बात को समझ भी जाए। और ये काम वही शख्स कर सकता है जो कि उसके बहुत क्लोज हो। उसके फादर। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके फादर के अलावा उसे और कोई कन्विंस नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि अगर तुम हिबा से मोहब्बत करते हो, उसे पाना चाहते हो, तो उसके फादर के पास जाओ, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। मगर मैं ये बात कैसे कहूंगा? क्या ये अच्छा लगेगा? देख भाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके फादर को कन्विंस किए बगैर अगर वहां पे गए तो हिबा से भी पिटोगे और अपनी फैमिली से भी। खैर अब ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों पर गौर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बात पे गौर करने के लिए टाइम निकाला। से कर ले गौर, अब टाइम कम रह गया, 2 हफ्ते रह गए यूनिवर्सिटी खत्म होने में। लेट्स सी क्या होता है। यस हाँ, भेज दीजिए प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज से चाहिए। जी बेटा, कैसे आना हुआ? I'm really sorry uncle, मैं बगैर अपॉइंटमेंट के आ गया आपके पास। अरे नो इश्यूज माय सन, आप हमारी बेटी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यू लाइक माय सन। थैंक यू सर। तो बताइए कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली मैं और हिबा साथ पढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, होल्ड ऑन। आप ये बताइए पहले, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, ठंडा, क्या लेंगे आप? थैंक यू सर, कुछ भी नहीं। ये बताइए अहमद भैया, फादर क्या करते हैं आप? जी सर वो कपड़े के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। और आप क्या करना चाहेंगे आगे बढ़कर? आर्किटेक्चर किया है तो ऑब्वियसली उसे ही कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, वैसे हमारी बेटी बड़ा जिक्र करती है आपका, जारा का, दानियाल का। जी इकट्ठे 4 साल गुजारे हैं हमने और काफी अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप भी हमारी बेटी की तरह पढ़ाई के शौकीन हैं। हाँ हिबा जितना तो नहीं, मगर कोशिश करते हैं कि हम स्टडी में मुकाबला करें दूसरे के साथ। देखिए अहमद भी, आप अपने और हिबा के बारे में जो हमें बताना चाहते हैं वो हम जान भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब ऐसे कीजिए कि कमिंग फ्राइडे को अपने पेरेंट्स के साथ हमारे घर तशरीफ लाइए, वहाँ इत्मीनान से आपके साथ बातें होंगी बाकी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। यू आर मोस्ट वेलकम माय सर। वैसे सर हिबा आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहते थे, आप बहुत मुख्तलिफ हैं लोगों से, लविंग हैं, केयरिंग हैं आप। चलिए आप घर आइए ना, ये तो वहाँ आके पता चलेगा आपको कि वो सही कहती हैं या गलत। अच्छा एक मिनट, चाय पिए बगैर नहीं आने देंगे हम आप। चालिया, वेयर इज द कप ऑफ टी? हाँ थैंक यू। आई होप अच्छी हो, खुद बेक किए मैंने। वैसे तुम्हें खुश देख के वाकई बहुत खुशी होती है मुझे। थैंक यू, आई एम हैप्पी। ऐसे थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मैं खुशी की वजह बतानी होगी। हाँ एक्चुअली आलिया मैं बहुत खुश हूँ, अहमद को लड़की पसंद आ गई है, शादी करना चाहता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लड़की मेरे पसंद की है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसको चूज करेगा। ओह दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहा है अहमद। हाँ सच पूछो तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आजकल की तो अपनी औलाद भी अपनी मर्जी करने की कायल है। भतीजा तो है लेकिन उसे पालने में, उसे तरबियत देने में जो तुमने अपना वक्त दिया है उसकी माँ भी नहीं कर पाती, इफ यू डोंट माइंड। बल्कि हकीकत तो ये है कि उसको घरेलू झगड़ों और अपने फैशन के अलावा किसी और चीज़ से गर्ज ही नहीं है। आलिया मैं भाभी के बारे में कुछ नेगेटिव तबसरा नहीं करना चाहती, हाँ ये बात सच है कि शायद मैं अपनी औलाद की भी इस तरह परवरिश और इतनी मोहब्बत ना देती मैं जितनी मैंने अहमद को दी है। वैसे रिश्ता कहाँ कर रही हो तुम? उसके साथ यूनिवर्सिटी में। ओह दैट्स रियली गुड। भाभी कहाँ है तुम्हारी, नज़र नहीं आ रही है? वो शायद किसी काम से बाहर गई है। हाँ तुम लो ना। क्या बोलूँ, अच्छा बाद में बात करती हूँ ना, अहमद और उसके बाबा बैठे हुए, उनको खाना देना है। अच्छा ठीक है ओके। बेगम साहिबा, आपका फोन फोबिया खत्म हो गया? अब जाने भी दो, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी।
ये आज बंदूक से गोली की बजाय फूल क्यों झड़ रहे हैं भाई? हैरत हो रही है मुझे। आप जरा चुप करेंगे, कभी माँ बेटे को भी बात करने दिया करें। कहाँ गायब रहते हो तुम, कभी माँ की भी खबर ले लिया करो। मैं आया था आपके पास, सोचा आपके पैर दबा दूं, मगर आप सो चुकी थी। ऐसी सो चुकी थी? तुम तो या तो अपनी पढ़ाई में बिजी होते हो या अपनी फूफो के घुटनों से लग के बैठे हुए होते हो। वो तो मैं वैसे ही बैठा हुआ था, आपके कमरे की तरफ आया मगर लाइट बंद थी इसलिए वापस चला गया। अरे बेटा, लाइट तो तुम्हारी माँ इसलिए बंद करती है कि मेकअप के बगैर इन्हें अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता। आप तो चुप करें, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, माँ बेटे को बात करने दें। अच्छा सुनो बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी मम्मा, कहिए। देखो अहमद, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें बड़ा करने में लगा दी है जी। अब माशाल्लाह तुम इस काबिल हो गए हो, मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हारी खुशियां देख लें। हाँ, मैंने और तुम्हारे बाबा ने लड़की पसंद की है। क्या लड़की? फोन पे फोन, पता है कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जाहिर है कोई तकलीफ थी तभी तो आपको बुलाया ना, ऐसे तो नहीं बुलाती ना। अरे तो फोन पे बता देती ना क्या तकलीफ है। फोन पे नहीं बता सकती थी, यहीं कहीं ये मामला आज हल होगा। क्या बात है, आज तो बहुत ही कमाल लग रही हो, किसके लिए तैयार हुई हो? तुम्हारे लिए और किसके लिए? मैं बस अहमद की वजह से जरा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं डैड, बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं आता, क्लासेस बंक करता है, वो एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है। इबा मुझे ऐसा लगता है जैसे दानियल सबसे अच्छा स्टूडेंट है, राइट? नहीं डैड, हम सब में सबसे ज्यादा अच्छा स्टूडेंट अहमद है।